भारत और इंग्लैंड के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला यानी कि आखिरी मुकाबला नॉटिंगम के ट्रेट ब्रिज क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां इंग्लैंड ने इस मुकाबले को 17 रनों से अपने नाम किया। हालांकि इंग्लैंड इस सीरीज को पहले ही गंवा चुकी थी, ऐसे में भारत ने इस सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया है। इंग्लैंड से मिली हार के बाद कहीं न कहीं भारतीय कप्तान रोहित शर्मा काफी निराश नजर आए। जी हां, उसके बाद जो उन्होंने कुछ बयान दिया है और जो विराट कोहली को लेकर बात कही है वो आपको हैरानी में डाल देंगी। आइए आपको बताते हैं क्या कहा है ये सीरीज जीतने को लेकर और आखिरी मुकाबला हारने को लेकर, इस एक वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है रोहित शर्मा के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो खैर, रोहित शर्मा ने क्या कहा ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आपको इस मैच में कप्तान जॉस बटलर ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 215 रन बनाए और भारत को जीत के लिए 216 रन का लक्ष्य दिया। इसके जवाब में भारतीय टीम ने सूर्य कुमार यादव की दमदार और शतक के पारी के दम पर 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 198 रन ही बनाए। जी हां, महज कुछ ही रनों से भारत ये टी20 मुकाबला हार जाता है। जब भारत इंग्लैंड को क्लीन स्वीप कर सकता था उसी की सरजमी पर वो मौका गंवा दिया। अगर सूर्य कुमार यादव का कोई अदर बैट्समैन भी थोड़ा बहुत भी साथ दे देता, एक कैमियो पारी भी खेल देता तो शायद ये पलड़ा भारत की ओर झुक जाता और भारत सबसे ज्यादा टारगेट चेज करने वाला जो है अब तक का रिकॉर्ड बना लेता। लेकिन भारतीय टीम के हाथ जीत नहीं लग पाई है। क्या कहा है कप्तान रोहित शर्मा ने, आखिर रोहित शर्मा आग बबूला क्यों नजर आए और विराट को लेकर एक बहुत ही बड़ा बयान दिया। इंग्लैंड से मिली सार पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने बताया कि उन्हें लगा था कि वो इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सूर्या ने अच्छा खेला, आज का दिन हमारे लिए शपक था। उन्होंने कहा ये बेहतरीन रन चेज था, हालांकि हम चूक गए, हमें लड़ाई पर गर्व है। सूर्या ने शानदार बल्लेबाजी की, मैं उसे कुछ समय से देख रहा हूं, इस फॉर्मेट को वो काफी पसंद करते हैं, इसमें व्यापक रेंज के शॉट्स हैं। जब से हमने उन्हें टीम में शामिल किया वो और भी ज्यादा मजबूत हो गए हैं। रोहित ने आगे कहा, इंग्लैंड ने अपनी बल्लेबाजी से हम पर दबाव बनाया, अच्छी साझेदारी ने हमें बैकफुट पर ला खड़ा किया, हम लोगों को आजमाने की स्पष्ट थे। अगर वे 4 ओवर गेंदबाजी कर सकते हैं तो फिर कहीं न कहीं हमने नए गेंदबाजों को आजमाया, बल्लेबाजी के लिए भी सीख थी। इस तरह से खेल आपको सिखाएंगे कि क्या करना है और आगे क्या नहीं करना है, रोहित का बयान कुछ इस तरह से था। विराट कोहली को लेकर रोहित ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी खिलाड़ी की फॉर्म इन और आउट होती रहती है, आप क्लासिक बल्लेबाज को बाहर नहीं कर सकते, आपको उसे बैक करना होता है और विराट के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। हम विराट को बाहर नहीं कर सकते बल्कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा मौका देना चाहते हैं ताकि वो अपनी लय और फॉर्म हासिल कर सके। बाकी फॉर्म का इन और आउट होना कहीं न कहीं हर खिलाड़ी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा रोहित का मानना है। लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।